शादी में आई हैं तो आप घर आती हैं? जी जी, टॉमी के यहाँ से। जी टॉमी के यहाँ से हैं जी। तो उनकी शादी है जी, तो दावत वावत खाई या नहीं? हाँ खाली। अच्छा, अच्छी थी? बिल्कुल, बहुत टेस्टी थी, सबने खाई। देसी घी की बनी हुई जी। है जी। तो इस तरीके की शायद लाइफ में पहली बार इस तरीके की शादी में आई हूँ जी। मैंने तो पहली बार देखी है किसी कुत्ते की शादी हो रही है। तो मेरे जो चाचा जी लगते हैं वो एक बार एक पप्पी लेकर आए थे। अब बाद में वो बड़ा हो गया तो उसकी शादी भी है। अच्छा। हम उसकी शादी में बहुत एंजॉय करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो दावत भी, डीजे भी, सभी सब कुछ होगा। अभी थोड़ी देर में डीजे भी आ रहा होगा। अच्छा, तो बड़ा एंजॉय करेंगे? बहुत एंजॉय करने वाले हम। मतलब पूरी तरीके से शादी की तरह पूरी रस्में, मंत्र इत्यादि सब? हाँ, वो सारी प्रक्रियाएं की गई हैं, पूर्ण की गई हैं। अच्छा, तो मतलब आपने भी शायद, मुझे लगता है कि इस तरीके का शायद पहला विवाह पड़ा होगा। जी जी जी, क्योंकि वैसे जो शादियां होती हैं नॉर्मली, उसके उपरांत कुत्तों का भोज भी यहाँ पर चला है। अच्छा, दावत भी यहाँ पर कुत्तों को, और देसी घी में वो भी शायद? हाँ, देसी घी मैं दावत हुई है सभी कुत्तों को बुला कर, जो भी आए हैं उनको जो है बाकायदा दावत भी खिलाई गई है। पंडित जी, वैसे हमारे अगर धार्मिक पक्ष देखें तो धार्मिक पक्ष में जो स्वान होता है उसको भी पूजनीय माना जाता है? पूजनीय नहीं है, स्वान स्वान जो है हमारे यहाँ इसको संज्ञा दी जाती है भैरव की। ये भैया, ऐसा हुआ था, ये हमारा छोटा भाई था, वो उसको पिल्लियों को लेके आया था, छोटा सा पिल्ला था वो उस समय। अभी इस समय में पिल्ला जो हमारा 8 महीने का है। अच्छा, 8 महीने का, ठीक है। शादी योग्य हो गया, तो चाचा जी ने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी कराई जाए। आप वधु पक्ष से हैं यानी कि जैली की तरफ से हैं? हाँ जी। तो जैली के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो आपके परिवार में रही तो किस तरीके से आपने उसको पाला? हाँ, हमने बहुत अच्छे से पाला है उसे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी लगती है वो हमें। और आज उसकी शादी हो रही है तो आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, और साथ ही साथ दुख भी हो रहा होगा अगर जब विदाई होगी और फिर जब वो आपके पास नहीं रहेगी। नहीं, वो हमारे पास ही रहेगी। अच्छा, फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए? हाँ जी। तो फिर क्या, जो मतलब लड़का है वो आपके यहाँ दामाद, मतलब घर जमाई बनेगा? घर जमाई। तो देखिए इनको कितना जैली से लगाव है कि यह उसको अलग नहीं करना चाह रही है, और इतने तगराजी है कि जो आने वाला जो वर है वो इनके यहाँ घर जमाई बन के रहे। हाँ जी, हम ज्यादा दूर नहीं कर रहे हैं इसीलिए तो पास से ही रिश्ता करा है। पास से ही रिश्ता किया हुआ है।